स्टोरेज फुल हो गया था, व्लॉग आधे में ही बंद हो गया था, अभी फिर से पीछे जाके व्लॉग बनाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक मैंगो प्लांट है, उसके बाद यहाँ पर एक कस्टर्ड एप्पल है, और पीछे भी एक कस्टर्ड एप्पल है, अगर आपको शो हो रहा होगा तो देख सकते हैं आप ये रहा। और वहाँ पर एक बड़ा सा नीम का पेड़ है, इतना बड़ा मैंगो का प्लांट हमें करना है सीड से ग्रो। तो आज व्लॉग थोड़ा जल्दी बनाता हूँ क्योंकि वैसे ही लेट हो गया हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर अंगूर का प्लांट है, और यहाँ पर ये गुआवा अमरूद का प्लांट है, देख सकते हैं आप। पीछे की जो प्लांट है ना, वहाँ पर नमी ज़्यादा रही है, रह रही है मिट्टी में, इसलिए ये प्लांट सूखने वाले नहीं है, अभी तो कोई चिंता नहीं है। और उसके बाद देख सकते हैं आप, ये बाजू में सब लाते हैं और फिर फेंक देते हैं कहीं पे भी। उसके बाद ये ऑरेंज का प्लांट था हमारा, ये डम स्टिक का कटिंग आ गया, और ये अमरूद का प्लांट। अमरूद के प्लांट ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्रीन है, कोई इशू नहीं है। अनार का प्लांट भी देख सकते हैं आप, एकदम नई पत्ती आई हुई है इसमें। और उसके बाद ये थोड़ा नीम का पौधा, ये नहीं बढ़ रहा है कुछ, पर अभी तो देखिए आप पत्तियाँ तो अच्छी है इसकी, नीचे से वरना पूरा सूख गया था, देख सकते हैं आप पत्तियाँ, पर अभी पानी मिल रहा है तो अच्छा हो रहा है। इसमें फ्लावर आ गए हैं, पर देखते हैं क्या इसमें फलियाँ बैठती है या नहीं। तो देखिए मैं आपको हर दिन का अपडेट दे रहा हूँ, आज है फर्स्ट फरवरी है आज, और यहाँ पर भी फ्लावर है, देखिए आप दिख रहे होंगे आपको, देखिए दिख रहे। तो देखते हैं इसमें क्या फलियाँ बैठते हैं। ये प्लांट देखिए, ये प्लांट है ना कटिंग से ग्रो किया हुआ है, इसको लगा है आराम से 5-6 महीने हुए होंगे, उसमें वन टाइम में पूरा सूख गया था, दोबारा से हुआ है। उसके बाद ये भी ऐसे ही लगाया है कटिंग से, देखिए कटिंग पूरा अभी सूखा हुआ है, और ये प्लांट कितना ग्रीन हो गया। फिर भी ये भी अमरूद का पौधा है, ऐसा ऐसा कटिंग, देखिए कटिंग बोले तो ऐसा लगाने का। उसके बाद ऐसे उसमें ब्रांचेस से आने लगेंगी, देखिए आपको लगा घास नहीं, ये देखिए ऐसे ही ओडीसी डमस्टिक की पत्तियाँ होती है। उसके बाद ये लेमन का प्लांट है, और ये मेहंदी है, देख सकते हैं आप, ये प्लांट भी डमस्टिक का ही है, ये डमस्टिक का प्लांट है। यहाँ पर कोकोनट का प्लांट भी है हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पर कुछ सब लग गया है पता नहीं, पर एक तरबूज का प्लांट है, देखिए ये रहा तरबूज का प्लांट। ये टमाटर का प्लांट है, इसमें फ्लावर आने लगे, यहाँ तक मैं पहुँच गया था। उसके बाद स्टोरेज फुल हो गई, फिर मैंने इंटरनल स्टोरेज में स्टार्ट कर दी मेमोरी से हटा के, अभी डिलीट का कुछ नहीं किया है। उसके बाद ये मैंगो का प्लांट है, और उसके बाद ये अमरूद का प्लांट। मैं आ तो बहुत जल्दी जाता हूँ, पर अभी तक देखिए सूरज का कुछ अद्दा पता नहीं है, 7:10 हो गई अगर आपको टाइम शो हो रहा तो, पर कुछ नहीं है। फिर अभी भी थोड़ी रोशनी आ गई, फिर स्टार्ट किया व्लॉग, वरना मैं 15-20 मिनट से वेट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर ये मैंगो का ग्राफ्टेड प्लांट है, ये बनाना का प्लांट है, और उसके बाद देखते हैं हम, ये देखिए हम अंगूर का प्लांट है, ये प्लांट पूरा ग्रीन ग्रीन है अभी। यार देखिए पानी सूख गया है नाली में, हमने 26 जनवरी को इसको भरा था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर, और एक आपके लिए थोड़ी मैसेज था, जो भी लोग गुजरात से वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि गुजराती जे पण लोको वीडियो जोता हुआ है, अने एमां पण सुरेंद्रनगर जिल्ला थी, तो मारी पासे पपैयाना, मीन्स के मेरे पास पपीता है। अगर कोई हिंदी वाला देख रहा है तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, मेरे पास पपीता के प्लांट्स मैंने बनाए हुए है, तो अगर आपको चाहिए फ्री में, कोई सुरेंद्रनगर जिले से हो उसमें भी, अगर उसके नज़दीक में हो, यहाँ से सुरेंद्रनगर से 10-20 किलोमीटर, तो मुझे मैसेज कर सकता है। तो मेरे पास प्लांट पड़े हैं पपीता के काफ़ी सारे, सॉरी ये सब कट हो गया, ये मैंगो प्लांट है, उसके बाद वो बैंगन और वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास पपीता और लेमन है, क्या है लेमन के तो मैं अभी नहीं डोनेट करने वाला, पर अभी किसको पपीता के प्लांट चाहिए तो मेरे पास है पपीता के प्लांट, देसी पपीता के प्लांट है, देखिए
इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। अगर किसी को चाहिए हो, मैं प्रॉपर ही बता देता हूँ आपको, कोई सुरेंद्रनगर ज़िले में वो भी लिमडी तालुके से बिलोंग करता हो तो उसे मिल जाएगा, बाकी उसको महंगा पड़ जाएगा यहाँ आना लेने आना 40-50 किलोमीटर। अगर कोई लिमडी तालुके में से हो तो उसको मिल जाएंगे ये प्लांट्स, अगर चाहिए इसमें से 10-15 जो भी चाहिए उसको, उतना दे देंगे एक को, क्योंकि एक को सारे देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई आस पास में भी मैं दूंगा, पर अगर आपको किसी को चाहिए तो। जब लेमन प्लांट भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे तब मैं लेमन का भी कुछ करूँगा, अभी तो इसका चल रहा है तो देख सकते हैं आप। और लेमन प्लांट भी है इसमें, उसकी भी अच्छी ग्रो हो रही है। अभी ऐसे 10-12 डब्बे ऐसे ही करके रखने हैं मुझे ओनली फॉर डोनेशन के लिए, क्योंकि खेत में तो कभी भी कितने भी प्लांट लगा सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही प्लांट तो लगाएंगे नहीं इसलिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नर्सरी है हमारी छोटी सी, और यहाँ पर देखिए आप इस ट्रे में हमने टमाटर की नर्सरी तैयार की है, इसमें बैंगन की है, इसमें फूल गोभी की है, इसमें तो सभी डाल दिया है, मक्के है दिख रहे हैं, बाकी तो मुझे याद भी नहीं, ये भी फूल गोभी है, इसमें बैंगन है, और एक कुछ पपीता के प्लांट्स है, यहाँ पर भी अमरूद का प्लांट है देख सकते हैं आप। तो अभी मैं व्लॉग यहाँ पर ड्रमस्टिक पर नहीं जाता हूँ, आपने ड्रमस्टिक देखे ही होंगे, 17 ड्रमस्टिक के प्लांट है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर व्लॉग अभी फिनिश करता हूँ।